पहले कर दी बीजेपी की फजीहत, फिर शाह के सामने रोने लगे संबित पात्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इन दिनों पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ी हुई है। माफी मांगने के बाद भी उनके खिलाफ विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से उन्होंने भगवान जगन्नाथ को लेकर बयान दिया, भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भक्त कह दिया, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। इसी को लेकर संबित पात्रा गृह मंत्री अमित शाह को फोन करके फफक फफक कर रो रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार संबित पात्रा किसी उड़िया चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें वो कह रहे हैं भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। अब इसी को लेकर विपक्ष गुस्से में है। जनता सवाल उठा रही है कि ये भगवान जगन्नाथ का अपमान है, ऐसे में अब वो रो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से बात की है, जहां उनसे जब संबित पात्रा को लेकर सवाल हुआ तो अमित शाह ने कहा, संबित पात्रा जी का बयान ये जुबान फिसलने का क्लासिक केस है। इन्होंने 25 जगह बाइट दिया है, सब जगह कहा ये मोदी प्रभु जगन्नाथ के भक्त है, बस एक जगह जुबान फिसल गई। आगे अमित शाह ने कहा, फिर भी सुबह मेरी संबित पात्रा से बात हुई फोन पर, वो रो रहे थे, बड़ा पछतावा था। संबित पात्रा ने बताया कि वो 3 दिन तक उपवास रखने वाले हैं। तो खुद ही अमित शाह ने बता दिया है कि संबित पात्रा उनके सामने फफक फफक कर रो रहे थे। बता दें इस मामले को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले पर लिखा है, महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी है। महाप्रभु को दूसरे इंसान का भक्त कहना भगवान के अपमान के समान है, इसकी पूरी तरह से निंदा की जानी चाहिए। इससे भावनाएं आहत हुई है। दुनिया भर में करोड़ों जगन्नाथ भक्तों तथा उड़िया लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। आगे सीएम पटनायक ने लिखा, भगवान उड़िया अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक है। बयान जो भी दिया गया है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, और साथ ही बीजेपी से अपील करता हूँ कि भगवान को किसी भी राजनीतिक चर्चा में शामिल ना करें। ऐसा करके आपने उड़िया अस्मिता को गहरी चोट पहुँचाई है। वही कांग्रेस ने तो पीएम मोदी को संबित पात्रा को पार्टी से निकालने की सलाह तक दे डाली है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो मोदी को सलाह दी है और कहा है, प्रधानमंत्री जी हिम्मत दिखाइए, संबित पात्रा को पार्टी से बाहर निकालिए और भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों से माफी मांगिए। हालांकि संबित पात्रा ने भी इस पर माफी मांग ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संबित पात्रा ने वीडियो पोस्ट किया है और लिखा, आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को लेकर मुझसे जो भूल हुई है उस विषय को लेकर मेरा अंतर्मन अत्यंत पीड़ित है। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूँ। अपने इस भूल सुधार और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन मैं उपवास पर रहूंगा। फिलहाल जिस तरह से अमित शाह ने बताया है कि संबित पात्रा उनके सामने रो रहे थे, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर से आपको पवन खेड़ा का बयान सुनाते हैं, सुनिए। निकालिए, हिम्मत दिखाइए और भक्तों की जो आस्था है उसमें उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए और नरेंद्र मोदी जी को खुद को इस पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ के जितने भी भक्त हैं, करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया सब जगह हैं, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जय जगन्नाथ की बात सुनता हूँ। उन सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 24 घंटे में माफी मांग लेनी चाहिए। यही हम सबके लिए अच्छा होगा, इस सृष्टि के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सृष्टि में जो आस्था है उससे बड़ा और कोई मुझे नहीं लगता आभूषण हमारे पास है। उसका अपमान करने का हक किसी को नहीं।